हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी जानकारी जो न्यू इवेंट आया है ब्लूप्रिंट इनक्यूबेटर ब्लूप्रिंट का, तो वो आपको कैसे मिलेगा। तो उसके बारे में टिप्स भी दे दूँगा, पूरी जानकारी भी दे दूँगा कि आपको रैंक मैच खेलना है या फिर क्लासिक खेलना है या फिर आपको सोलो डुओ या फिर स्क्वाड में कौन सा आप खेल सकते हो जिससे आपको इनक्यूबेटर ब्लूप्रिंट जो है वो मिल जाए। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिए, आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो लोगों पे चले जाइएगा, बैनर पे चले जाइएगा, इनक्यूबेटर ब्लूप्रिंट का जो भी बैनर है, या फिर आप प्रिपेयर टू पार्टी वाले ऑप्शंस पे जाकर ब्लूप्रिंट मैच ड्रॉप पर जा सकते हो। तो यहाँ पर जाना है दोस्तों आपको, तो पहले मैं बता दूँ 20 अक्टूबर का ये इवेंट है और ये 2 घंटे चलेगा, दोपहर को 1 बजे से 3 बजे तक, ठीक है। तो आपको इसी 2 घंटे खेलना है दोस्तों, क्योंकि ये तय नहीं है कि आपको एक गेम पे ही मिल जाएगा या दूसरे गेम पे मिलेगा। तो लगभग 15 मिनट का एक गेम चल हो जाता है मैक्सिमम, तो आप 7 से 8 गेम जो है खेल सकते हो। और संडे को गरीना ने ये रखा है, तो जाहिर सी बात है सबकी छुट्टियां होती है, तो दोपहर के टाइम पे 1 से 3 बजे आप बड़ी आसानी से खेल सकोगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बाकी जानकारी के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों, फ्री इनक्यूबेटर जो ब्लूप्रिंट है वो आपको अनलिमिटेड मिल सकता है, यानी जितना मैच आप खेलोगे शायद उसी में मिल सके। पर वो कैसे मिलेगा ये आगे बताते हैं। तो यहाँ से आपको गो टू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो टू पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके यहाँ पर आपका पूरा प्रोफाइल का ये सब डिटेल्स जो है वो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्विक स्टार्ट का ऑप्शन भी है, तो अगर अभी मैं स्टार्ट करूँगा तो डायरेक्ट रैंक मैच पे ही चले जाएगा, तो जिससे साफ जाहिर होता है कि ये रैंक मैच ही खेलना पड़ेगा। क्योंकि तो काफ़ी लोग सवाल कर रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे, और मैंने भी देखा था फेसबुक में कुछ लोग पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने वीडियो और भी बना दिया ताकि कोई सबको समझ में अच्छे से आ जाए। तो रैंक मैच ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो रैंक मैच खेलने पर ही आपके स्कोर बढ़ते हो, आपका रैंक बढ़ता है, लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहीं पर आपको देखा जाता है कितना मैच खेले हैं, कितना किल किया, कितना आपने डैमेज किया, कितने देर आपने सर्वाइव किया। तो ये सारे चीज़ देख के ही दोस्तों आप डिसाइड होगा कि आपको ब्लूप्रिंट मिलेगा कि नहीं, ठीक है, या फिर हर मैच में मिलता है कि नहीं। तो इसके लिए आपको खेलना पड़ेगा रैंक मैच। दूसरी बात बता दूं मैं कि इम्पोर्टेंट बात, काफ़ी लोग पूछ रहे थे स्क्वाड में खेलना है कि डुओ की सोलो। तो यहाँ पर जहाँ तक मुझे पता है या मुझे लग रहा है वो है सोलो, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्विक स्टार्ट। तो क्विक स्टार्ट में जैसे ही क्लिक करोगे ना तो गेम अभी ओपन हो जाएगा, ठीक है, भले ब्लू प्रिंट के ना हो पर अभी गेम ओपन हो जाएगा, इसलिए आपको सोलो ही खेलना पड़ेगा। अगर ऑप्शन आता है स्क्वाड का तो आप स्क्वाड का खेल सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पर क्विक स्टार्ट पर क्लिक करके ही खेलना है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि आप प्रिपेयर टू पार्टी पर जाकर ही गेम को स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। इस वाले ऑप्शन जैसा आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हो प्रिपेयर टू पार्टी, यहाँ जाके ब्लूप्रिंट मैच ड्रॉप में जाके गो टू पर क्लिक करके आपको मैच अपना स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर आप लॉबी से स्टार्ट करोगे तो वहाँ स्क्वाड का ऑप्शन भी है, ठीक है, तो आप स्क्वाड का ऑप्शन गलती से सेलेक्ट कर सकते हो। पर आपको ब्लूप्रिंट के लिए जहाँ तक अभी पता चल रहा है कि आपको खेलना है सोलो मैच ही, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद है आपको सब समझ में आ चुका है। ज़रूरी बात एक और मैं आपको यहाँ बता दूँ मैच के बारे में, कि जब आप मैच खेलोगे तो 2 घंटे ही खेल लीजिएगा, 7 से 8 मैच, ठीक है, क्योंकि ये नहीं पता ना कि आपका कौन सा मैच आप अच्छा खेलोगे या कौन सा मैच में आप जल्दी मर जाओगे। तो इसलिए जितना हो सके 2 घंटे जो टाइम है उस पर खेल लीजिएगा। और बता दूं कि आप कोशिश कीजिएगा सरवाइव करने की, जितना हो सके सरवाइव कर लीजिएगा। बोया कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, किल कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बात है, डैमेज दे सकते हो तो अच्छी बात है, पर
पर काफ़ी लोग ऐसे भी हैं कि किल नहीं कर पाते हैं, शुरू में ही मर जाते हैं, तो इसलिए बेटर है कि आप सर्वाइव कर लो। और टॉप 10 में अकॉर्डिंग टू मी, मैं जैसे बोल रहा हूँ, आप ऐसे भी खेल सकते हो कि टॉप 10 में आने के बाद आप किल करने जाओ, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आप डैमेज भी थोड़ा पॉइंट कर पाओगे, किल कर सकते हो, तो वो भी अच्छी बात है। टॉप 10 में अगर अंदर आके मरते हो तो ज़्यादा रैंक भी कम नहीं होता है, तो ये आप जानते ही हो। तो इस तरीके से अगर आप सर्वाइव करके खेलोगे तो काफ़ी अच्छा है। और सर्वाइव अगर टॉप 5 तक कर लो, टॉप 3 तक कर लेते हो, 2 में 1 में, और बोया भी कर लेते हो, किल करते हो टॉप 10 में आने के बाद भी, तो काफ़ी चांसेस रहते हैं कि आपको ब्लूप्रिंट मिल जाए, ठीक है दोस्तों? तो आप कोशिश कीजिएगा सर्वाइव करने के लिए। अगर आप रस प्लेयर हैं, अच्छे प्रो प्लेयर हैं रस, तो कोई बात नहीं, आप जैसा गेम खेल सकते हो खेलिए, पर ये मैं जैसे ऐसी टिप्स दे रहा हूँ आपको एडवाइस, कि सर्वाइव करना भी अच्छी बात है। आप सर्वाइव करके भी टॉप 5 टॉप 3 में आ सकते हो, और वो अभी कर ही सकते हो, और उसी में आप डैमेज भी कुछ ले सकते हो। भले मान लीजिए आप टॉप 5 में आके अगर आप किल भी हो जाते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कुछ कुछ डैमेज किए होगे कुछ, तो उस हिसाब से ही मैंने बताया है, टिप्स दिया आपको, तो आप इस तरीके से भी खेल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ चुका होगा, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप सभी को इनक्यूबेटर ब्लूप्रिंट मिल जाए जितना हो सके। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।